वो वायु शक्ति जिसकी गर्जना से पड़ोसी देश पाकिस्तान का कलेजा कांप उठेगा। आपने नाम सुना होगा बोइंग कंपनी का सबसे एडवांस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। आज जोधपुर में इसका पहला स्क्वाड्रन स्थापित किया गया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जोधपुर में तैनात पहले स्क्वाड्रन में कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल। इंडियन आर्मी की तरफ से अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किया गया है पाकिस्तान बॉर्डर पर। दोस्तों जो 6 अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, दिस इज एन अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त हेलीकॉप्टर गनशिप है। ये अमेरिकन मेड है, बोइंग ने बनाया है ये अपाची 6 इंडियन आर्मी को आज जोधपुर में, यानी कि ये ठोकेंगे पाकिस्तान को। ठीक है जी, भारत में जैसे कि एक अंबार से लग गया हथियारों का। तो ये जो हरकत है कि उन्होंने अपने आर्मी को वो लगा लिया है, क्या कहते हैं, मतलब कि डिप्लॉय किया है एक हेलीकॉप्टर को, तो उसकी मेन रीज़न अगर हम देखें तो हमारी मुल्क की सबसे मेन रीज़न जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की जो फौज है इज़ अ थ्रेट फॉर इंडिया, इज़ अ थ्रेट फॉर इंडिया, दिस इज व्हाट ही सेड। और उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर जरूर चैलेंजेस हैं लेकिन दे आर रीजनेबली वेल सिक्योर्ड। जहां पर कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं और जो भी उनका जो असलह है वो हमें नजर आता है कि जब वो कोई मिसाइल खरीदते हैं तो ना सिर्फ ये कि चाइना के बॉर्डर बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भी लगाते हैं। लेकिन अब ये जो खबर है इसकी डिटेल्स ये हैं कि इंडियन आर्मी हैज सिग्निफिकेंटली अपलिफ्टेड इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। यूएस ने चिट्ठी भेज दी कि हाँ बॉस, जो आप चाह रहे थे डन, हमारी तरफ से डन है, गो अहेड। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब तैनात हो चुके हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, वो भी एक नहीं 6-6 हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ये देख जो है दुश्मनों के होश उड़ गए। आपको जानने के लिए आपको बता दें कि इसकी खासियत क्या है। भारतीय सेनाएं जो है 40-50 साल पुरानी स्थिति में नहीं है। चीन और पाकिस्तान एक साथ भी हमला करते हैं तो भारत की तीनों सेनाएं के पास ऐसे हथियार हैं, कुछ ऐसे हथियार भारत के पास है जो दोनों दुश्मनों को जो है एक ही हालत में जो है परास्त कर सकते हैं, जिसको देख पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं। उनकी आंख ढीली कर सकते हैं। इन हथियारों की वजह से चीन और पाकिस्तान बड़ा हमला करने के लिए भी वो सोच भी नहीं सकते। आपको बता दें पिछले कुछ सालों में हमारी फोर्स ने कई अलग अलग हथियारों की तैनाती की है। इस कड़ी में अब अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम भी जो है वो जुड़ चुका है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं कि आखिर में भारत जो है अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों खड़ा कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर के पास लड़ाकू क्षमता बढ़ाने जा रही है। जोधपुर में बॉर्डर पर भारतीय सेना अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो कुछ हो रहा है। वैसे तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें वक्तन फवक्तन मिलती रहती हैं देखने को, जहां पर कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं और जो भी उनका जो असलह है वो हमें नजर आता है कि जब वो कोई मिसाइल खरीदते हैं तो ना सिर्फ ये कि चाइना के बॉर्डर बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भी लगाते हैं। लेकिन अब ये जो खबर है इसकी डिटेल्स ये हैं कि इंडियन आर्मी हैज सिग्निफिकेंटली अपलिफ्टेड इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। और इसमें कैसे उन्होंने ये कैपेबिलिटी को अपलिफ्ट किया है, टू इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट अपाची अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इन द डेजर्ट रीजन ऑफ जोधपुर सिचुएटेड प्रॉक्सिमेट टू द पाकिस्तान बॉर्डर। और उनका कहना यह है कि दिस स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट जो है वो सब्सटैंशियल एनहांसमेंट इन इंडियाज एरियल कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस इन द रीजन एंड स्पेशली नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। कि ये जो उनको एक तो ये बताया जा रहा है, जाहिर है कि ये इंडियन जो मीडिया है उसको इस तरीके से लिख रहा है जिसमें ना सिर्फ ये कि उनकी प्रिपेयर्डनेस बताई जा रही है किसी भी ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर सामने आती है तो उसके लिए उनके बॉर्डर्स पर वो तमाम तैयारी मौजूद है और उसके लिए जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अब उसकी स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश की है उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, जो कि जोधपुर मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये खबर इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट बनती है, ज्यादा अहम है, इसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले क्या बल्कि एक दो दिन पहले जो खबर आई जो कि अमेरिका की तरफ से जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि इस रीजन में यानी कि चाइना इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म ले सकता है, इसकी पोटेंशियल मौजूद है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता।
उसकी उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स थी। मैंने अगर आप पिछला प्रोग्राम मेरा वो वाला उठाकर देखिए तो उसके अंदर मैंने बताया था जिस तरह पाकिस्तान के वाले से उन्होंने कहा था कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो जिहादी हैं और इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स हैं उनको इंडिया के खिलाफ जो है इस्तेमाल करता रहा है और इस सिलसिले में वो सपोर्ट की है पाकिस्तान ने उनकी, इसके ऊपर बड़े खुल के उन्होंने वो रोशनी डाली थी, सब ने जो है इसके ऊपर बात की थी। तो बात यह कि अब ये है, ये जो बात है ये करने वाली कि हुआ कुछ यूं है कि उन्होंने अपनी जो इंडियन आर्मी है उसने जोधपुर में पाकिस्तान फ्रंट के पास यानी पाकिस्तान फ्रंट पर या पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो है ये अपाची हेलीकॉप्टर जो है ये एस्टैब्लिश स्क्वाड्रन कर दी है। अच्छा अब ये फ्राइडे को जो है रेज इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स इन राजस्थान जोधपुर विद द एम ऑफ सपोर्टिंग ग्राउंड ऑपरेशंस नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। और इसमें कुछ और जो है इसमें ये कहा गया है कि एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स हैं ये विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड हैव कम टू बी नोन द बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड। और ये अमेरिका की तरफ से जो है उनको दिए गए इंडिया को। और इस सिलसिले में जो है बहुत सारी जो इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा है दे एडेड दैट दीज हाई एंड चॉपर्स आर अंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द यूएस एंड रीच जोधपुर बाय मे दिस ईयर। ठीक है जी, यहां तक मैंने आपको सारी बता दी उसमें कि क्या क्या इसमें है। करंटली ऑपरेट्स यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सच एज द ध्रुव एंड और काफी उसके अंदर और भी, लेकिन इसके अंदर जो असल बात है द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स रेज्ड टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ एविएशन कोर डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो भी थे उनके उसमें जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब लगाए गए। तो अब इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो होशियार हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि इंडिया ने जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपके बॉर्डर के पास लगा दिए। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि क्या ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ तो देखें, ये तो मैं आपको बता दूं जंग जुंग के कोई हालात नहीं है, यानी वो ठीक है कि उन्होंने ये कहा इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन जो सही कॉन्फ्लिक्ट है वो टक्कर के लोगों के बीच होता है ना। इन एयरफोर्स में आ चुके हैं 22 यही वाले अपाची, ये पूरे उस एरिया में ना चाइना के साथ वहां पे 22 डिप्लॉयड है। अब इंडियन आर्मी के पास और हेलीकॉप्टर्स भी आएंगे, 6 आज की तारीख में जोधपुर में एक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। अब आपको याद होगा कि जब मोदी जी गए थे अमेरिका और जो बाइडेन से मिले थे तो 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की बात हुई थी, याद होगा दोस्तों आपको 31 प्रेडेटर ड्रोन्स। अब उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया को दे दिया है यूएस ने, यूएस ने चिट्ठी भेज दी कि हाँ बॉस जो आप चाह रहे थे डन, हमारी तरफ से डन है, गो अहेड। ये टोटल डील तकरीबन 4 अरब US डॉलर्स की है। इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जो है वो अटैची हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। आखिर क्या रीजंस हैं? इंडिया अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से फोकस कर रहा है, फोकस करने के साथ साथ वो दिन ब दिन टेक्नोलॉजीज पर मेहनत करके मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज को इन्हांस कर रहा है, ना सिर्फ इन्हांस कर रहा है बल्कि वो एक्सपोर्ट की जाने बढ़ते जा रहे हैं अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को। जी हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट उनकी बढ़ती जा रही है। वो जो एक दफा कहा था ना, वो क्या कहा था इमरान रियाज खान ने, टक्कर के लोग, तो वो टक्कर के लोग आपको पता फिर क्या हुआ है टक्कर के लोगों के साथ। तो जो टक्कर के लोगों फरीक होते हैं ना उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो है चाइना और इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया तो टक्कर के लोग है ही नहीं, की करना तुसी बेचारा, मतलब पाकिस्तान को क्या आप धमकी शुमकी दे के ये आपने लगा दिया वहां पे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स, तो उसके ऊपर आप डरा रहे हैं पाकिस्तान को। वरना तो अभी जो सिचुएशन है उसमें तो हो ही रहा है कि पाकिस्तान के लोग मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। अपाचे हेलीकॉप्टर आज आर्मी एविएशन क्राफ्ट में शामिल हो गया है। राजस्थान के जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रोन को स्थापित कर दिया गया है जोधपुर में, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद नज़दीक है। ऐसे सेना जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को दिए दिन में भी जो है 2 दिन के अंदर दिन में तारे दिखाने के लिए जो है जोधपुर इसकी तैनाती कर रही है। अपाचे की गिनती के दुनिया में टॉप लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से होती है, जिसको देख करके पाकिस्तानियों को मालूम हो गया। फिलहाल कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी भारतीय आर्मी के बड़े में शामिल हैं, जिनमें से पहला बैच जो है मई के महीने में अमेरिका से आएगा। सेना जो है 5,691 करोड़ रुपए के सौदे के तहत जो है 6 हैवी ड्यूटी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को अपने बड़े में शामिल कर रही है। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मई
और बाकी जून में आर्मी को मिल जाएंगे, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है कि आखिर में भारत जो है अपने बॉर्डर पर जो है क्यों लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों तैनात कर रहा है। यानी ठीक पाकिस्तान के सामने आंख में आंख डालकर हमारे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मन की रातों रात नींद उड़ा देंगे। आर्मी के पायलट और इंजीनियर अपाचे को लेकर उड़ाने ऑपरेट करने की पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं। अमेरिकी एयरफोर्स बोइंग भारतीय सेना के लिए जो अच्छा अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गिनती दुनिया के टॉप में जो है हेलीकॉप्टरों में से जो है इस हेलीकॉप्टर की जाती है।